हेलो फ्रेंड्स, जागृति इस वेज फूड में आपका स्वागत है और मैं हूँ जागृति भट्ट। आज हम बनाएंगे बची हुई रोटियों की रेसिपी। बची हुई रोटियों को हम फ्राई करेंगे, तो ये है इसके इंग्रेडिएंट्स फ्रेंड्स। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है फ्रेंड्स, और सुबह सुबह नाश्ते में या फिर आप बच्चे के लंच बॉक्स में ये दे सकते हैं, बहुत ही पसंद आएगी बच्चों को। तो यहाँ पे हमने गैस पर ऑलरेडी कढ़ाई रख दी, उसमें एक बड़ा चम्मच जितना तेल डाल दिया। तेल हमारा गर्म होने के बाद हम इसमें राई और जीरा डाल देंगे। राई और जीरा फूटने के बाद हम इसमें डालेंगे तिल। अभी हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। अभी हम हरा लहसुन हमने बारीक चॉप करके लिया है वो डाल देंगे। आप हरा लहसुन नहीं है तो आप नॉर्मल लहसुन की कली को बारीक चॉप करके डाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अदरक, हरी मिर्च और प्याज हमने जो काट के रखा था वो डाल दिया। मूंगफली के दाने डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मूंगफली के दाने को थोड़ा रोस्ट करें, तब तक हम लो फ्लेम पर इसे अच्छे से इस तरह से पकाएंगे। अभी हम इसमें मसाले करेंगे फ्रेंड्स। तो हींग डाल देंगे। हींग आप राई और जीरा डालने के बाद डालें। मैं थोड़ा भूल गई तो मैंने अभी बाद में डाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा टेस्ट में फ्रेंड्स। तो देखो ये अच्छे से सारे फ्राई कर लिए हमने। अभी हम इसमें चीनी, नमक, धनिया जीरा पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, थोड़े से धनिया पत्ते अभी डालेंगे, टेस्ट अच्छा आएगा फ्रेंड्स। ऑप्शनल है, आप ना चाहे ना डालें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मूंगफली के दाने हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अभी हमने जो रोटियां ली है उसके हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, तो वो डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को अभी हमने लो रखा है फ्रेंड्स। लो फ्लेम पर इसे थोड़ी देर ऐसे ही पकाएंगे, रोटियां थोड़ी हमारी क्रिस्पी हो जाए तब तक। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करनी है, पर थोड़ा सा इसमें कुरकुरापन अच्छा लगता है, तो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। और अभी हम डालेंगे लेमन का जूस, थोड़ी सी सेव हम अभी डाल देंगे, बेसन की सेव और थोड़े से धनिया पत्ते, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सेव हमने बचा के रखी है फ्रेंड्स, हम गार्निशिंग में डालेंगे बाद में। तो देखो इस तरह से ये चेवड़ा या फिर वगारेली रोटी या फिर कुछ भी कह लो फ्रेंड्स, बिल्कुल रेडी है। तो इसे गरम गरम ही सर्विंग डिश में सर्व करेंगे। ऊपर से थोड़ी सेव और धनिया पत्ते से गार्निश करेंगे। तो इसे आप गरम गरम चाय के साथ खाए, बच्चों के लंच बॉक्स में दे, बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बनाइए और अपने अनुभव हमारे साथ जागृति वेज फूड पर शेयर करें। बताएं कैसी लगी आपको रेसिपी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।